सर्वेषां स्वागतम अस्ति मम संस्कृत एनर चैनल मध्ये। आज हम सीखेंगे अन्वय लेखन। अन्वय क्या होता है, इसे परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। अन्वय यानि सुसूत्रता, कर्ता कर्म क्रिया पदों का योग्य क्रम। अपनी संस्कृत भाषा की यह विशेषता रही है कि कर्ता कर्म क्रिया पदों का क्रम यद्यपि सुनिश्चित न हो या क्रमानुसार न हो, तब भी अर्थ में कुछ बदल नहीं होता। इसी कारण से संस्कृत साहित्य में सुंदर और गेय श्लोक बनते रहते हैं। अब यह श्लोक देखिए। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अब इस श्लोक में शब्दों का जो क्रम है वह अर्थ की दृष्टि से देखिए। पहला शब्द है भारती, हे देवी सरस्वती। फिर आएगा तव, आपका। फिर आएगा कोश, ज्ञान रूपी खजाना। अयम, यह। कह अपि, कितना। अपवह विद्यते, आश्चर्यजनक है। क्योंकि व्ययतः, खर्च करने पर। वृद्धिम आयाति, बढ़ जाता है। तथा संचयात, संग्रह करने पर। क्षयम आयाति, क्षीण होते जाता है, यानी कम होता है। तो श्लोक तो अलग तरह का है, शब्द सुनिश्चित नहीं है, पर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो यह अन्वय ऐसा बनता है। अन्वय और अर्थ यह परस्पर पूरक रहते हैं। तो अब हमें यहाँ चार रिक्त स्थान दिए हुए हैं और नीचे चार शब्द दिए हुए हैं। वे चार शब्द आपको उन रिक्त स्थानों में लिखने हैं। तो भारती, हे सरस्वती देवी। तव, आपका। क्या है यहाँ पर, क्या आएगा? अयम, यह। कोशः, अभूतपूर्व आश्चर्यजनक खजाना। कह अपि, कैसा है? अपूर्वः विद्यते, आश्चर्यजनक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्ययतः, पहला शब्द। व्ययतः, खर्च करने पर। वृद्धिम आयाति, बढ़ता है। और संचयात, संग्रह करने पर। क्षयम आयाति, क्षीण होता रहता है। तो इस तरह से यदि हम अर्थ समझे तो अन्वय भी समझ में आता है, और अन्वय समझ में आया तो अर्थ समझ में आता है। इसलिए दोनों परस्पर पूरक है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, हो सके तो आगे भेज दीजिए।